मैनू करीमपुरी ने कहा कि भाई वो मेरे केस वास्ते मिले से इन्हों का कोई केस क्या केस है भाई होशियारपुर का अध्यक्ष होने के नाते जो होशियारपुर जा रहा है उस केस के बारे मिलना चाहिए मेरे कहने साढ़े कहते जो केस में इनवॉल्व लोग हैं उन्होंने कहते केस के बारे वो बादल में मिले और यही स्टेटमेंट बादल ने दिता जरा पेपर छपया बादल ने भी यही स्टेटमेंट दिता और इन्हों का भी यही स्टेटमेंट सी और कुछ लोग मैनू गुमराह कर रहे थे कि चव्हाण नू पार्टी चो कढ़ दो और मैं इस तरह का काम तो मैं करता नहीं तो इस करके किया कि मैं सोचा जाते ना करीमपुरी ने मैंने कहा कि उसके इस वास्ते वो मिले और बादल का भी स्टेटमेंट आ गया वो करके मिले तो फिर बाकी को गले नहीं रहे। अच्छा दूसरी बेनती है कि तुसी मजीठा तुसी ये बयान दिता कि एक सीट जितना साड़ी सरकार ने बन गई हूँ तुम पार्टी के वर्कर वास्ते की संदेश आदेश दे रहे हो कि वोट इन अकाली दल की उम्मीदवार कौन या कांग्रेस एक एक मिस्चीफ है ट्रस्ट की तरफों क्योंकि मजीठा च असी कभी चुनाव लड़े मजीठा के लोगों ने कभी मैंने पूछा नहीं कि असी वोट किनू पाईए कभी ना उन्होंने मैं क्या इन वोट पाओ ना उन्होंने मैं पूछा पर प्रेस वाले जिसे भी मैं जाता भी वो वोट कि जब मेरा कुछ लेना देने नहीं मजीठे जिन्हू पा जिन्हों अज तक पाते रहे पा लो अज तक तुम मैं पूछ के नहीं पाया और आने वाले चुनाव च जरूर मैं थानू दसागा भी किनू वोट पाना एक सीट के उत्ते मैं कोई अपनी स्ट्रैटेजी ठीक है तुम एक गल कही है कि आने वाले इलेक्शन च पंजाब बी एस पी सरकार बड़ी आसानी नाल बना लेगी लेकिन यूपी बारे तुम कुछ नहीं किया ये दसो कट मेरे को पंजाब च आके मैं यूपी का क्यों कह इलेक्शन मैं यूपी चाहता यूपी कितने चुनाव हो रहा नहीं जब यूपी चुनाव होएगा तो मैं दावे नाल कहिंदा है कि बहुजन समाज पार्टी जिहड़ी दो बार आधारी सरकार बना चुकी है इस बार अपने बलबूते ते अपने वोट के आधार से वो सरकार बनाई अपने जिहड़ियां हुण पईयां आउण वाली बहुत जल्दी पईयां स्टेटां च चोणां होणियां ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ 2002 'ਚ
2003 च 8 राज्यों से चुनाव होना है, वो 8 राज्यों से बीएसपी की मदद तो बगैर कोई सरकार नहीं बना सके। इन 5 राज्यों से मेरा कोई ज्यादा कारोबार है नहीं, क्योंकि इधर जो केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये 3 साउथ इंडियन स्टेट है, आसाम और बंगाल नॉर्थ ईस्ट। अजय साडा कारोबार सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, इतने तक सीमित। लेकिन अमूमन राजनीति पार्टी ही करना चाहिए। लेकिन जेडे अमूमन तो यही कहना चाहता कि जी सेंटर दी पार्टियां है जो नैशनल लैवल दियाँ, वह अमूमन यह कहें है कि क्योंकि थोड़ी नैशनल लैवल की हैगी कि धर्म और सियासत अलग अलग हैगी है। बिल्कुल गलत, क्योंकि बीजेपी कहती है कि जी असी जे असी देश से राज करना है तो हिंदुता साढ़ा एजेंडा है, और मैं कहता है बीएसपी कहती है कि जे असी राज करना है तो जाति साडा एजेंडा, जात और धर्म ये साडा एजेंडा। कांग्रेस वाली का कांग्रेस का ही एजेंडा है, कम्युनिस्टा का ही एजेंडा है, पर वो कहते असी पर्दे के पिछे रहने, जे कोई सानू बेनकाब कर दे तो हो जाते, नहीं तो पर्दा रहता ही। अच्छा बाबू जी, जट मतलब बीएसपी पार्टी का या कांग्रेस का हूं मुख्यमंत्री भी जट? बीएसपी पार्टी का हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ सरकार चलाउन दा मुख्यमंत्री बनन दा चस्का किनू है, बगैर चस्के ते सरकार नहीं चल पाती, बगैर चस्के ते सरकार नहीं चलती है। जट के अलावा पंजाब च किसे होर नू चस्का दे? Party!
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।